महाराष्ट्राचा 53वा वार्षिक निरंकारी संत समागम नाशिक मध्ये परम पूज्य निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज यांच्या पावन सान्निध्यात दिनांक 24, 25 आणि 26 जानेवारी 2020 रोजी संपन्न होणार आहे. समागमाच्या तयारीसाठी स्वेच्छा सेवांचे उद्घाटन संत निरंकारी मंडळाचे महासचिव ब्रिगेडियर पूज्य श्री पी एस चिमाजी यांच्या शुभहस्ते रविवार दिनांक 22 डिसेंबर 2019 रोजी सकाळी 11 वाजता निरंकारी संत समागम स्थळ ठक्कर ग्राउंड बोरगड मखमलाबाद पेठ धरमपूर गुजरात हायवे नाशिक मध्ये करण्यात आले. या उद्घाटन सोहळ्याची सुरुवात एका प्रार्थनेद्वारे करण्यात आली. स्वेच्छा सेवांच्या उद्घाटनानंतर निरंकारी सेवा दलाचे स्वयंसेवक आणि मोठ्या संख्येने निरंकारी संत समागमाच्या तयारीसाठी लागले. संत समागमामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातून शेजारील राज्य गुजरात आणि भारताच्या कानाकोपऱ्यातून तसेच देश विदेशातून लाखोंच्या संख्येने भक्त भाविकगण सहभागी होतात. मेरा नाम ब्रिगेडियर पी एस चीमा है और मुझे सतगुरु के कृपा से संतकारी मंडल के जन शक्ति की सेवा भी मिली है. इसके साथ में सोशल वेलफेयर और मेडिकल की भी, ताकि जो हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं इस संदेश के साथ में, ताकि महाराष्ट्र का जो ये 53वां समागम है जो कि 24, 25, 26 जनवरी को होने जा रहा है और 27 को सामूहिक शादियाँ हैं, जगह जगह जा करके एक ही संदेश देना है कि प्रभु परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु गॉड एक ही है, एक ही इसके नाम है. हमको यही है कि हमारी परमात्मा जो है उसकी आत्मा हमारे अंश में है, तो सारी कायनात एक ही है. उस एक को ही जानने के लिए जो सर्वव्यापी है, कि बुलिया रबदा की पावना इधरों पुटना तो इधर लावना, सिंपल प्रभु का ज्ञान. श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन जी को ये कहा, ये मेरा विराट स्वरूप है. 32 साल तक उनको ये नहीं पता था कि ये स्वयं कृष्ण भगवान है. जब इस विराट स्वरूप के दर्शन किए तो अर्जुन कहता है, तेरे आगे को नमस्कार, तेरे दाएं को नमस्कार, तेरे ऊपर को नमस्कार. उसको समझ आ गई कि वाकई ही ये स्वयं ये शरीर नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान है. वही जो युग युगों से यही आवाज़ जो मनुष्य जन्म में आई है, हमारे को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उसका एक ही लक्ष्य है. वक्त के पैगंबर जो उस समय आज के समय में जो है, जो पहले थे, वो भी हमारे उस तरीके से हमारा पूर्ण उनके ऊपर सम्मान प्यार और हमारी जो वर्शिप है उनके लिए भी है. लेकिन जो हमने आत्मा को परमात्मा से जो हमने ज्ञान लेना है, वो आज के पैगंबर के पास, जो आज का प्रेसिडेंट है वही मोर लगाएगा कानून पे. इसी तरह से आज का पैगंबर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, और जो इनके चरणों में आके झुक जाता है उसको ही आत्मा का परमात्मा से ज्ञान दे करके फिर ये जो फिर आवाज़ गवन का जो चक्र है, जिसको हम कहते हैं कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ताकि भटकन से निकल करके प्रभु के साथ में मिल जाना, जब ये श्री नश्वर तीज से हम त्याग करते हैं. इस मिशन का लक्ष्य यही है, प्यार सद्भावना नम्रता प्रीत एकत्व, ताकि इस संसार में आप जहाँ आग लगी है कि उस तरीके से संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, तो संत आते हैं तो प्यार बांटते हैं. बाकी संसार में तो आप देख ही रहे हैं, आज भी पुलिस कमिश्नर साहब नहीं आ पाए क्योंकि उनकी उस तरीके का ड्यूटी लगा है. तो उस प्यार को यहाँ पर देखिए कि सब आप चारों तरफ देखेंगे किस तरीके से झूम रहे हैं, खुशी के चेहरे हैं. और ये समागम सेवा जो आरंभ हुई है वो एक महीने की ये पूरी सेवा, आप यहाँ पर जैसे एक शहर की तरह बस जाएगा, ताकि आप देखोगे जब पता चलेगा कि इतने महात्मा यहाँ रिजाइड करेंगे, लंगर की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था और गीत गायन और प्रभु के. सर जैसे आपने बताया यहाँ हर व्यवस्था की गई है, हमें ये बताइए कि यहाँ पे कितने लोग आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे. यहाँ पर जो आने की व्यवस्था 2 लाख की करीब है, बाकी जो आने जाने रहेंगे सो 2.5 से 3 लाख का यहाँ पर संत महात्माओं का आयोजन होगा. बाहर से भी लोग फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, उनके लिए फॉरेन चेंज के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, उनकी रिहाइश के लिए. और एक और जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अमेरिका यूरोप और कई कंट्री से कायरोप्रैक्टिक के डॉक्टर भी आते हैं, वो कम से कम 65 के करीब आएंगे और 3 दिन का यहाँ पर एक मुहिम चलता है.
जिसमें कि वो फ्री सेवा करते हैं, और इस रूप में उनकी सेवा मैंने खुद देखा है। और अभी ऐसा एक कायरो क्लिनिक दिल्ली में भी हमने शुरुआत की है कि जो चल नहीं पाते थे उनको भी 3-4 बारी ट्रीटमेंट करके वो भी स्वयं चल के जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबको आमंत्रित भी करता हूँ कि उनकी भी जो सेवाएँ हैं वो सारे ही फॉरनर्स हैं उनकी, वो भी आप देखिए। तो ऐसा अंदाज़ा, आपने ऐसा सुंदर दृश्य कभी देखा नहीं होगा। उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि उनके क्लिनिक देखने के लिए ज़रूर आए। और आप ये भी बताया कि बंदोबस्त कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो 24-25-26 जनवरी को यहाँ जो सत्संग हो रहा है, इस सत्संग के बंदोबस्त के बारे में हमारी मैनेजमेंट से बात करें, 5 जनवरी तक उनका पूरा मैनेजमेंट होने वाली है, पूरा ड्राइंग आने वाला है। उसके बाद मेरे सुपीरियर्स माननीय पुलिस आयुक्त विश्वास डांगरे पटेल सर, DCP तांबे सर, SBDCP पटेल सर, अपना DCP हेडक्वार्टर ट्रैफिक जिसको चौगुले मैडम, आणि आमचे SCP श्री आडव सर, पूरे पुलिस फोर्स, इनकी एक यहाँ मीटिंग लगवाने वाले हैं। ये जो पूरा सिचुएशन है वो देख के कितना बंदोबस्त डिप्लॉय करना है, कैसा डिप्लॉय करना है, ये सब हम जानकारी लेंगे। और एक बात यहाँ अभी मेरे ख्याल में आई है कि जो ये सत्संग के स्वयं सेवक हैं वो इतने काबिल है, और उन्होंने जो सिस्टम बनाई है वो बहुत ही बढ़िया है, और उनका हमें सहयोग मिलने वाला है। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो पब्लिक को यही मैसेज दूंगा कि जो निरंकारी सत्संग है उनका जो मैसेज है शांति का, अमन का, वो सब लोगों ने अप्लाई करना चाहिए, और यहाँ आकर शांति से सत्संग सुनना चाहिए, और यहाँ जो भी नॉलेज मिलेगा उसका आचरण करना चाहिए। ताजा व ठळक बातम्यांसाठी आज चैनल सब्सक्राइब करा।